संजीव बावा, जन्म 28 जुलाई 1941, धुरी पंजाब। 1958 तक खालसा स्कूल दिल्ली में पढ़ाई। 1958 से 1963 दिल्ली स्कूल ऑफ आर्ट में ट्रेनिंग। 1961 पहला एग्जीबिशन इंडियन सेमिनार ऑफ आर्ट अंबाला, और उसके बाद देश विदेश में कई एग्जीबिशन। 1964 से 1971 भारत से इंग्लैंड की सड़क द्वारा यात्रा। इंस्टीट्यूट ऑफ एडल्ट एजुकेशन इंग्लैंड में पेंटिंग पढ़ाई और इंग्लैंड में ही सिल्क स्क्रीन प्रिंटर के तौर पे काम किया। 1975 से 1977 विजिटिंग लेक्चरर कॉलेज ऑफ आर्ट न्यू दिल्ली। 1980 राष्ट्रीय पुरस्कार ललित कला अकादमी न्यू दिल्ली। पेंटर के तौर पे कई पुरस्कार पाने और कई जूरीज पर होने के अलावा मंजीव बावा नई दिल्ली की कमिटी फॉर कम्युनल हार्मनी के भी फाउंडर मेंबर रहे हैं। दिल्ली में 1984 के दंगों के विरोध में भी उन्होंने एक पीस मार्च का आयोजन किया था। पेंटिंग के साथ साथ वे थिएटर और सूफी संगीत में भी सक्रिय रहे हैं। सूफियाना कलाम, सूफियाना ख्याल मंजीत बावा की जिंदगी का इतना अहम हिस्सा है कि वो जब गाते हैं तो बुल्ले शाह के गाने उनकी जबान पे होते हैं, और जब ब्रश हाथ में लिए पेंट करने बैठते हैं तो अपनी पेंटिंग्स में वही प्रेम, शांति और मानवता को जाहिर करने की कोशिश करते हैं। इसमें मैंने जो बनाया कि एक बकरी है, एक शेर है, एक पावर है और एक कमजोर है। ये सूफी थॉट है, दोनों आराम से रह सकते हैं। जैसे मुगल वादी किंग अंग्रेज से राजे मुगल थे, अकबर के टाइम में जैसे उन्होंने सोचा कि भी दीन लाही धर्म चलाएं, हिंदू मुसलमान आराम से रह सकते हैं। वो दिमाग में मेरी बात थी सूफी थॉट के ऊपर, जो सूफियों ने दोनों चीज़ों को मिलाने की कोशिश की, हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म दोनों को मिलाने की कोशिश की। ये सूफी थॉट आपको कब से आकर्षित करता है? जब मैं क्लास 9th में था तो आई यूज़ टू स्टडी इन खालसा स्कूल, तो वहाँ पर बुल्ले शाह और शेख फरीद जब मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत बढ़िया लगा। पोइट्री 9th क्लास में तब से, ये 57 की बात होगी, 56 की, तब से मेरे दिमाग में नहीं बल्कि 55 में 8th क्लास में पढ़ा था पहले, तब से मेरे दिमाग में चलता रहा, मैं पढ़ता रहता हूँ टाइम टू टाइम। और मुझे लगा कि ये एक पोइट्री तो बहुत ही पावरफुल है। सूफी दो हुए हैं, एक कादरी और एक हुए हैं चिश्तिया, चिश्तिया गंजैटिक प्रिंट के, दे आर मोर लाइक मिशनरी टू माई माइंड रादर देन प्योर पोइट से पंजाबी सूफी। लोगों को पंजाबी कल्चर के बारे में बिल्कुल पता नहीं है, और मैं सोचता हूँ जब तक आपने आपको गांव का नहीं पता, अपने एरिया का नहीं पता, ज़मीन का नहीं पता, तब तक आप देश का क्या जानेंगे और क्या इंटरनेशनलिज्म बताएंगे। तो मैं आई स्टिक टू माई यू बिल्कुल विलेज सेंसिबिलिटी, पंजाब की सेंसिबिलिटी में लेकर साथ चलता हूँ। मंजीत बावा आज भारत के सबसे मशहूर आर्टिस्ट में से एक हैं, बल्कि कई आर्ट एक्सपर्ट्स का मानना है कि वो हमारे टॉप 2 या 3 आर्टिस्ट में से हैं। उनकी पेंटिंग्स 5-10 लाख रुपयों में बिकती हैं, लेकिन उनका रहन सहन, सोच विचार अभी भी फकीरों जैसा है। सोया बहुत हूँ मैं सड़कों पर, घूमते घामते हिंदुस्तान सारा मैंने देखा है। इंग्लैंड बाई रोड गया हूँ मैं, तो टेंटों में रहा हूँ, तो अभी भी मैं बहुत छोटे फ्लैट में रहता हूँ, और मौका नहीं मिला। 6 साल से मेरा फ्लैट है ये, शिफ्ट करूँ ना करूँ, सोचता हूँ स्टूडियो बनाऊँगा, घर बनाऊँगा, और मैं प्रवाह नहीं करता। नहीं, पर जिस उम्र में आपने शुरू किया होगा उस वक्त तो इंडियन आर्ट की कोई कदर नहीं होती थी, और पेंटिंग अगर बिकती थी तो कोई 1-2 हज़ार में लोग, नहीं जी छोड़ो, 500 में 300 में 50 में, तो 1-2 हज़ार में ज़्यादा, 60 में 500, 1,000, 2,000 तो बहुत बड़ी चीज़ होती थी, बहुत बड़ी चीज़।
तो फिर उस वक्त कैसा रहा होगा, कैसे स्ट्रगल किया? स्ट्रगल देखो, अगर अंदर ताकत है, भगवान है जो सब देख लेता है। आपने अपनी पहली पेंटिंग कैसे बेची? पहली पेंटिंग 50 रुपये में बेची थी। 50 रुपये? हाँ, फिर मैंने 150 में बेची थी, उसके पेमेंट भी नहीं हुई थी मुझे। और ये कितने सालों तक ऐसा चलता रहा? ये मैं असल में कॉलेज पास करके आर्ट अपने 63 में इंग्लैंड चले गया था, बाई रोड घूमने के शौक में। अफगानिस्तान वगैरह? अच्छा, बिल्कुल फर्स्ट क्लास अफगानिस्तान, ईरान, कमाल। थोड़ी टेंशन थी उधर, मगर फिर भी बहुत कमाल था। जहाँ मर्जी जाओ, जहाँ मर्जी आओ, क्या शान थी ईरान की, बहुत खूबसूरत थी ईरान। तो बाई रोड आप गए? बाई रोड गया। किस मकसद से? घूमने। मैं पहले सारा देश का भ्रमण किया, हिमाचल सारा घूमा, 3-3 महीने में वॉक किया हुआ, रुकसैक उठा के खाना अपना बनाना, अपना सब कुछ करना। तो फिर मुझे लगा सारा देश देख लिया, क्या करूं? ये मेरी एक अंदर की चाहत थी अपने को पहचानने के लिए, किसी दूसरे को देख के पता लगता है वो कौन है और मैं कौन हूँ। किसी संत महात्माओं को मिलो, स्कॉलर को मिलो, तो लगता है हम कितने नीचे हैं, तो उससे अपने आप को अंदाज़ा लगता है कि कैसे आगे जाना है। ये इच्छा थी, घूमता रहा देश को, घूमते मुझे लगा और जाएं आगे, तो इंग्लैंड चले गए। टेंट वेंट ले गए, अपना वैन ली, दोस्त से मेरे साथ चले गए। और फिर वहाँ पे? वहाँ पर जाके हर तरह के काम किए जो भी आ गया रास्ते में। मैं फूड टेस्टर भी रहा हूँ बाद में। फूड टेस्टर? हाँ जी। और फिर मैं कहाँ पे, किसी होटल में? 3 रेस्टोरेंट थे, इंडियन रेस्टोरेंट 3, और एंगस स्टेकहर्स्ट वालों के थे। उसमें एक था शाहजहाँ, एक मुमताज़, एक बाबर शाह, ऐसे 3 रेस्टोरेंट थे। उनमें तीनों में खाने के बारे में मुझे बहुत शौक है, खाने का थोड़ा इलम भी है। और वाइन के बारे में भी, कल मुझे अवार्ड भी मिला है वाइन टेस्टिंग के ऊपर। अच्छा। नॉर्वे एम्बेसी में। अच्छा। पार्टी में। और कौन सी वाइन किस फूड के साथ जानी चाहिए, लाइफ की सोफिस्टिकेशन है जो। हाँ। वो मुझे बहुत समझ है, मैं उसमें बिलीव नहीं करता, मगर समझ आए। तो अच्छा, तो फिर आप कितने साल रहे वहाँ? 8 साल रहा लंदन में, सारे देखा आसपास, आर्ट है क्या वहाँ पे। फूड टेस्टिंग करके कमा रहे थे आप? हाँ, खाना पीना, खाना और स्टाफ भी इंतजाम करना, कौन सा अच्छा स्टाफ, बेस्ट कुक कौन सा है, सब कुछ पता था मुझे। हाँ। में वो काम उसका वो भी किया काम, और लेबर भी की है, पेंटिंग करनी, वॉल पेंटिंग करनी, वो लेबर का काम ही होता है, स्किल। हाँ। लेबर। हाँ। और स्काई इसके पटे हाई ब्लॉक्स उनके ऊपर पेंट करना लटक के, वो भी किया है। बट आई यूज्ड टू अर्न ऑलवेज अ लॉट। बट पेंटिंग भी कर रहे थे आप? पेंटिंग बहुत करता था। ये पेंटिंग्स वगैरह जो बेचने के लिए? बेचने की मैंने चिंता नहीं कभी की उस वक्त। मुझे लगता था पेंटिंग करनी है, बस पेंटिंग होनी चाहिए, इलम कैसे हासिल करें इसका। वही आज भी वही चिंता है। रात अंधेरी काली में चिराग जलाता हूँ। भारतीय आधुनिक या कंटेम्प्रेरी आर्ट के बारे में अक्सर कहा जाता है कि उसमें ना कोई ओरिजिनलिटी है, ना कोई नयापन, और वो पश्चिमी आर्ट की सीधी नकल है। मंजीत बावा मानते हैं कि उनको बहुत कोशिश के बाद ही कला की एक नई भाषा बोलने की सलाहियत मिली। बड़ी शर्म आती थी ये सोच के जब वो लोग कोई इंडियन पेंटर के एग्जीबिशन जाए तो कहें ये तो हमारे पेंटर जैसे कर रहा है, ये हमारे 20 साल पहले हो गई, कोई क्यूबिज्म मरा उसकी कब्रस्तान बन, कब्रें बन गई हैं, कोई आज क्यूबिस्टिक पेंटिंग करे, तो मजाक उनको लगता, मुझे भी लगता था, शर्म आती थी। तो मुझे लगा कि महसूस भी किया मैंने शुरू से भी कि अपनी भाषा पोइट्री में जैसे अपनी लैंग्वेज होती है वो, और वो निकालता है आदमी उसको, उस पर अपनी भाषा होनी चाहिए, पेंटर की भी अपनी पहचान होनी चाहिए, और वो पेंटिंग ऐसी होनी चाहिए जैसे आप पहली बार चश्मा देखें, पहली बार वाटरफॉल देखें, पहली बार आपने बारिश देखी हो, पहली बार मानसून देखी हो, वो जो आसमान में जब बादल आते हैं, गजरें, बिजली चमकती जीवन में, तो आपको कैसा अजीब लगता, कैसा महसूस होता होगा। और उसी तरह पेंटिंग को भी पहली बार जो मैं अपनी पेंटिंग देखूं, मुझे महसूस हो कि थोड़ी डिफरेंट चीज़ है जो मैंने देखी नहीं दुनिया में। Thank you.
मंजीत बाबा साल में 8 या 10 पेंटिंग्स बनाते हैं, लेकिन कभी कभी जब उनको लगता है कि उनके काम में नयापन खत्म हो रहा है तो वो पेंटिंग करना बिल्कुल बंद कर देते हैं और सिर्फ अपने काम के बारे में सोचते रहते हैं। इसी तरह 2 साल तक उन्होंने कोई पेंटिंग नहीं बनाई और सोच विचार करने के बाद ही काम दोबारा शुरू किया। हमने जब उनसे पूछा कि भारत में कितने लोग आर्ट के बारे में जानते हैं, कितनों को समझ है, तो जवाब उन्होंने ये दिया। मैं मानता हूँ इस बात को कि लोगों को जो बाहर है उसको पेंटिंग के बारे में बहुत कम पता है और बहुत कम गैलरियों को आर्ट के बारे में पता है। इसका कारण क्या है? क्या फॉरेनर्स की इतनी लंबी यहाँ पे इतना लंबा राज रहा कि हमारी अपनी सभ्यता, हमारी अपनी सेंसिबिलिटी क्या मर गई थी? हमारी सेंसिबिलिटी कभी मर नहीं सकती, वो मरती जागती रहती है। जन्म पुनर्जन्म होते हैं, बार बार मरते हैं, बार बार जागते हैं। पर थोड़ी सी दबी इतने साल गुलाम रहा, फिर भी हमारा कल्चर हमारे पास हाथ में है। हम नॉन आर्टिस्ट लोग जब कला की दुनिया को बाहर से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कलाकार मस्त कलंदर होते हैं जो अपनी ही ख्यालों की दुनिया में जीते हैं। ऐसा भी लगता है कि बाहरी दुनिया की समस्याएं और दुख दर्द कलाकारों को दिखती ही नहीं, लेकिन मंजीत बाबा दुनिया की असलियत को ना सिर्फ करीब से देखते हैं, उसकी फिक्र भी करते हैं। देखिए, पहले आदमी को 2 वक्त का खाना दें हम, पहले देश में इतनी प्रॉब्लम है, एजुकेशन दें, बाद में एजुकेशन आएगी। एजुकेशन बेसिक नहीं है, बेसिक बस कंट्रोल नहीं है, बेसिक गुंडागर्दी पॉलिटिक्स से नहीं निकली, बढ़ती जा रही है, करप्शन बढ़ती जा रही है। इसमें ये आर्ट तो बहुत बात की चीज़ है, पहले ये ठीक कर रहे हैं हम लोग। ये आप इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं क्या? बिल्कुल सोचता हूँ, मैं आपको पढ़ाता हूँ फुल पेज आर्टिकल, एंटी एक्सट्रीमिस्ट मैंने लिखा पंजाब के, 2 पूरा फुल पेज जब दहशत थी इलस्ट्रेटेड वीकली में, और 2 बार लिखा, और पूरा पेज मैंने अयोध्या के जब ब्रेक किया, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भेजा मुझे स्पेशली, तब लिखा। फिर एक बार जब इनिशियल ब्रेक किया था, फिर बाद में टोटल डिमोलिशन हुई, तब भी मैं अयोध्या गया हूँ। और मैं इससे कंसर्न महसूस करता हूँ क्योंकि मैं सिटीजन हूँ अपने देश का, और मुझे बहुत प्यार है, नहीं तो मैं वापस ना आता। आपको क्या ये नहीं लगता कि ये जो धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म, फलाना ढिमकाना, ये चीज़ें, ये दोनों लफ्ज़ पुराने हो गए हैं, और लोगों का हम हाल ठीक करें, उनको जीने के कोई तरीके समझाएं, उनको जो हमारी नदियां गंदी हैं उनको साफ करें, क्या ये मुद्दे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है? नहीं, आप बहुत सुंदर बात कर रहे हैं, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ। इनको पॉलिटिकली, ये मुद्दों को पॉलिटिकली यूज़ कर रहे हैं सारे, दोनों को, सेक्युलरिज्म को भी, उसको भी। आज हिंदू बनने के लिए पहले ये लेफ्टिस्ट वो कहेगा, अगर हिंदू हैं आप तो पहले कहो कि हिंदू बहुत गंदे हैं, यू हैव टू से दैट मुस्लिम्स आर द बेस्ट पीपल, यू नो वेरी। तो मुसलमान को मुल्ला को गाली देनी पड़ेगी तब वो सेकुलर है, ऐसा थोड़ी होता है। और धर्म के बारे में बात करना ही पाप है तो तुम सेकुलर हो, सेकुलर ये नहीं है। ये सारी जो आप बात कर रहे हैं, ये सारे पॉलिटिकल एक ढकोंसले हैं सारे। और मंदिर को इस्तेमाल करना, तोड़ना या मारपीट करना एक दूसरे को धर्म से, वो भी ढकोंसले हैं। हमें, मैं ये कहता हूँ, ये एक किसी भी पड़ोसी से आप लड़ें, चाहे कोई भी धर्म का हो, चाहे आपके धर्म का ही हो, तो आपके मुकदमेबाजी होगी तो आप दोनों बर्बाद होंगे। अगर हम किसी को छेड़ते हैं, दूसरे धर्म वाले को या किसी और ग्रुप को, वो अगर हम उनको 2 आदमी मारेंगे, वो बम फेंकेंगे हम उनको, उनके ऊपर बम फेंकेंगे, तो ये सारे देश पीछे जाएगा। क्या हुआ पहले ये भिंड वाला का क्या कर लिया, उन्होंने नुकसान ही किया पंजाब का, उसी तरह सारे देश का नुकसान होता है। सारे देश में गेहूँ वहाँ से आता है, अनाज आता है वहाँ से, हरियाणा से आता है, लोग कितने पिछड़ गए, असम में क्या हो रहा है। ये सारी चीज़ें सोचने की बातें हैं कि हमें डिस्टर्बेंस ना करें, मैं तो ये कह रहा हूँ। मैं गाय बहुत बनाता हूँ, और जब देखता हूँ सड़कों पर गाय हर जगह खड़ियाँ, ट्रैफिक में मेरी 2 बार तो बैल ने मारा हुआ, गाय से विंड ग्लास तोड़ा हुआ है, हैं, गाय के अंदर लगा भी मैं जाके एक बार अंधेरे में, और सडनली आ गई गाय लड़ते लड़ते, तो सारी प्रॉब्लम आई, मेक लॉट ऑफ कॉल्स, यू नो। तो दिखती है क्या सिंबलिज्म है आपकी पेंटिंग में? गाय में देखो, मेरी पेंटिंग में एनिमल और ह्यूमन दोनों का सिंबल है, और वीकर और स्ट्रॉन्गर का।
I think we should live with peace, with love. ये है दूसरा हमारी सारी mythology में जितने भी ये god और goddesses हैं उनके साथ उनका वाहन भी है, animal है एक. वो मुझे fascinate करता है as a painter. From which newspaper you're speaking? You know, Hussain has actually created a lot of new iconography in the Indian mythology. And as a Hindu, I have a respect for his iconography. It is not only as a iconography, as a painter, he is a very respected man, but he has created new iconography which we should be grateful to him, you know. Anybody attacking that is attacking the culture of India. Apart from attacking the culture of India, also attacking the democracy of India and creating this kind of hatred for other religion or making the excuse to do all sort of it's not done thing. जो हुसैन साहब की पेंटिंग पे जो सीता की पेंटिंग जो की थी इस पे जो अटैक हुआ इस पे आप क्या कहेंगे? बहुत वल्गर है, अनपढ़ता की निशानी है सारी और एक गंदा पॉलिटिक्स है इसमें कोई ये लॉजिक नहीं है. मंदिर तोड़ देंगे क्या हम अपने जो बने हुए खजुराहो तोड़ देंगे? वहाँ पर डिफरेंट तरह की आइकोनोग्राफी है, न्यूडिटी है और बहुत ज़्यादा है. और हुसैन साहब की पेंटिंग में कोई न्यूडिटी नहीं है और एक बहुत एक क्षमता के साथ एक नई आइकोनोग्राफी नया रूप दिया उन्हें. उन्होंने सीता को उसी तरह उन्होंने नया रूप दिया था जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी चली थी सरस्वती की. और उन्होंने काफ़ी ध्यान किया इन चीज़ों के बारे में और बहुत श्रद्धा से वो बनाते हैं ये चीज़ें. अच्छा, हमला जो करते हैं वो उनका ये कहना है कि वो कभी जो इस्लाम में जो प्रॉफिट हैं उन पे क्यों नहीं कभी कोई आइकोनोग्राफी बनाई? देखो, उन्होंने बनाई है कुछ पेंटिंग में सिया वो जो उनका निकलता है ताजिया उसके बारे में उन्होंने कुछ पेंटिंग की है इस तरह की घोड़े के हॉर्स को लेके कुछ पेंटिंग की है उन्होंने इसके बारे में. पर जो रसूल है इस्लाम का उस पर तो कभी नहीं कोई वो किया. उनके अंदर नहीं बनती मोहम्मद साहब की ओर पेंटिंग नहीं बनाई जाती तो उन्होंने नहीं बनाई. और हमारे राम सीता दुर्गा उनकी मूर्तियाँ भी बनती हैं, उनकी तस्वीरें भी बनती हैं और हर कलाकार ने अपना अपना रूप दिया है. आप सोच देखिए तो मणिचर पेंटिंग में डिफरेंट रूप है और मंदिरों में कोणार्क में डिफरेंट रूप है और खजुराहो में डिफरेंट रूप है. हमेशा हर आर्टिस्ट ने अपना अपना रूप दिया है हमको. फिर उनके एक दोस्त आए जिनके साथ बैठकर उन्होंने पंजाबी सूफी कवि बुल्ले शाह के कुछ गीत गाए. उनकी जिंदगी में संगीत और चित्रकला एक ही ख्याल के दो हिस्से हैं. किसे बहाने मिल जा तू मैनू किसे बहाने लेकिन देश की समस्याएं इस खूबसूरत माहौल में भी वो भुला नहीं पाते हैं. राजनीति में बढ़ती गुंडागर्दी हिंसा और भ्रष्टाचार से वो परेशान रहते हैं और इन चीज़ों के लिए वो राजनेताओं को ही दोषी ठहराते हैं. बिल्कुल सांसदान का जिम्मेवारी है. अगर हम मुझे कोई टीचर बनाता है पढ़ाने के लिए या मुझे आप खाना बनाने के लिए कहते हैं मैं आपको जहर खिला दूँ तो जिम्मेवार मैं हूँ. हमने सांसदानों के हाथ में जो हमारा मुल्क था उसको उन्होंने बनाना था. अगर उन्होंने एजुकेट नहीं की लोगों को, लोग करप्ट पैदा किए, गुंडे पैदा कर दिए तो उनकी जिम्मेवारी है. ये उनको मॉरल पैदा करना था, उन्हें एग्जांपल पैदा करनी चाहिए थी, उन्हें एजुकेट करना चाहिए था. वो सारी जिम्मेवारी मैं पॉलिटिशियन को देता हूँ. आप कहो लोगों का भी तो कसूर है. लोगों का क्या कसूर है? लोग तो सारी दुनिया में एक से हैं. दिल दे बने
चंद बन के चढ़वाओ सजना। चंद बन के